विश्राम दिवस को रखना मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध के रूप में एक चिन्ह है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 15 से 17 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें विश्राम दिवस के बारे में बतलाता है और यह कहता है कि मनुष्य 6 दिनों तक वह काम करे और 7वें दिन को वह पवित्र रखे, उसे वह विश्राम दिवस के रूप में मनाए, क्योंकि वह दिन पवित्र दिन है। और हम 31:17 में यह पढ़ते हैं कि विश्राम दिवस को रखना मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध के रूप में एक चिन्ह है। आज के सुसमाचार में हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को विश्राम दिवस के दिन में चंगाई प्रदान करते हैं और प्रभु का जो प्रेम है उसे इस व्यक्ति के लिए प्रकट करते हैं। लेकिन फरीसी लोग साधारणतः इस कार्य को देख करके वे प्रभु यीशु के विरुद्ध में हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने विश्राम दिवस का उल्लंघन किया है। क्या सचमुच में प्रभु यीशु ने विश्राम दिवस का उल्लंघन किया? विश्राम दिवस के दिन में दया के कार्य करना या ईश्वर के प्रेम को प्रकट करना गलत नहीं था। और प्रभु यीशु जब इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगाई प्रदान की तो उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को इस व्यक्ति के लिए प्रकट किया। लेकिन फरीसी लोग जो प्रायतः हर कार्य में प्रभु के विरुद्ध में बोलते हैं, वे यह समझते हैं कि प्रभु यीशु ने विश्राम दिवस का उल्लंघन किया है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार फरीसी लोग यीशु ख्रिस्त के हर एक कार्य के विपरीत वे रहते थे और प्रभु यीशु के हर एक कार्य की आलोचना करते थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु आज हमें यह कह रहे हैं अपने हृदय को झांक करके देख करके कि क्या हम हमारे जीवन में किसी व्यक्ति के विपरीत हम इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, या जिस व्यक्ति को हम हमारे जीवन में पसंद नहीं करते हैं क्या उसके हर एक कार्य की आलोचना करते हैं? वह व्यक्ति क्यों ना हमारे प्रति प्रेम प्रकट करे, अच्छे कार्य करे, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं इसीलिए उसके विपरीत हम बोलते हैं या उसके कार्य के प्रति आलोचना करते हैं? प्रभु यीशु आज हमें हमारे जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए कह रहे हैं और यह विचार करने के लिए कह रहे हैं कि क्या हम फरीसियों के भांति इस प्रकार की विचारधारा किसी इंसान के प्रति क्या हम रखते हैं? आइए हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने ईश्वरीय प्रेम को इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति के प्रति उसे चंगाई करते हुए प्रकट किया, उसी प्रकार हम हर एक इंसान के लिए जो ईश्वर का प्रेम है उसे हम स्वयं जिए और दूसरों के लिए भी प्रकट करें। आमीन।